खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं भारत में कोरोना के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां रोज आ रहे नए मामलों ने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 90,706 करोड़ केसेस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,115 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक करीब 43,870,129 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 73,775 लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की संख्या 33 लाख के पार जा चुकी है। तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंच गया है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,115 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43,70,129 पर पहुंच गया है। तो कोरोना के इलाज के बाद 33,98,845 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना से 73,890 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।